चलिए चेक करते हैं गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए x प्लस टू का होल क्यूब a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन करेंगे हम इसे, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर a हमारा x है, b हमारा 2 है, बस एल एच एस साइड को हम ओपन कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखिए a की जगह हम x पुट करेंगे, तो x क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 a b, b की जगह हम 2 रखेंगे एंड a प्लस b मतलब x प्लस 2। ठीक है, चलिए x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होगा हमारा 8 प्लस 3 2 जा 6 6 x और 6 x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 से, देन x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 x इंटू x 6 x स्क्वायर 6 x इंटू 2 प्लस का 12x। ठीक है, अब इसके इस ठीक है चलिए एल एच एस हो गया हमारा सॉल्व, अब आर एच एस को अब सॉल्व कर लेते हैं। आर एच एस देखिए यहाँ पर आर एच एस है हमारे पास में 2x x स्क्वायर माइनस 1, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, 2x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई 2x। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट में रख लेंगे, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, देन हम इसे ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, x क्यूब माइनस का 2x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 12x और ये प्लस का 2x ट्रांसपोज कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए x क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या होगा हमारा, माइनस का x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा हमारा 14x इज इक्वल टू 0। अब देखिए गिवन इक्वेशन हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी।